वेलकम बैक टू जागो दुनिया। मैं हूं फारूक, मेरे साथ हैं सुंदस, हमारे साथ हैं द ब्यूटीफुल नूर, और नूर से हम बड़ी कैंडिड गपशप कर रहे हैं, बड़े मजेदार गपशप। और अब हम जरा थोड़े से खाने पीने की बातें कर लेना। ये हो नहीं सकता कि मतलब हम हमारे सेट पे नूर आए, खाने पीने की बात ना हो, इसलिए मैं कह रही हूँ कि सुना है नूर आपको खाने का बहुत शौक है। बहुत शौक है जी, मैं हर चीज खाती हूँ, और माशाल्लाह मैं रात को भी मैंने कढ़ाई खाई नानों के साथ देसी, और देसी खाने, देसी खाने, हर किस्म का खाना मुझे अच्छा, मतलब गुड फूड। आई मीन आई एम अच्छा, मेरी जिंदगी में लड़ाई अगर किसी से लड़ाई हो गई या मूड ऑफ है, वो खाने की वजह से होता है। अगर अच्छा खाना नहीं, या मुझे टाइम पे शूटिंग के वक्त खाना नहीं मिला, अच्छा, तो मेरा मूड बहुत ऑफ है, सबको पता तो होता है। जब मूड ठीक करना हो खाना खिला दें, हाँ अच्छा खाना या स्वीट डिश खिला दें, बस ठीक है। और मैं यही मेरी वो है, अगर आप मुझे अच्छा खाना खिला देंगे, यू विल बी माय बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, ये तो फिर टिप बड़ी अच्छी बता दी, लोग आ जाएंगे दुनिया टीवी के बाहर खाने लेके, आ जा आ जा, आई डोंट माइंड, मैं भी खा लो, मैं भी खा लो। अच्छा नूर, मुझे ये बताएं, खाने का तो चले शौक हो गया, फिर हाउ डू यू मैनेज, यू बीइंग एन एक्ट्रेस, यू हैव टू लुक फिट एंड परफेक्ट, फिर कैसे मैनेज करती हूं? मैं वर्कआउट करती हूं, और एज यू कैन सी आई एम नॉट स्किनी, आई डोंट बिलीव इन दैट जीरो साइज एंड बीइंग जीरो, आई एम नॉट अ मॉडल। वो अंदर मुंह गया हुआ होता है, वो बिल्कुल भी नहीं। आई बिलीव कि एक औरत को थोड़ा सा होना चाहिए चबी, जहां से भी, फ्रॉम द राइट 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 प्लेस। चाय भी पी ली अब, मतलब सारे लवाजमात पूरे हो गए, अब थोड़ा सा वो बैकग्राउंड गाना जो आपने, थोड़ा सा हाँ सुर वो होना चाहिए, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ये तैयारी कर रही है, जैसे गला साफ करते हैं ना, वही वाला ट्विंकल ट्विंकल कर रही, तुम गा लो चलो तुम्हारे साथ में। अच्छा हम ऐसा करते हैं, हम ये कर लेते हैं, हम जॉइंट वेंचर, हम जॉइंट वेंचर कर लेते हैं, आप स्टार्ट करें, हम चुटकियां तालियां, फिर बीच में कोरस में हम शामिल हो जाएंगे। ये एक टिपिकल गाना होता है, बाहर इंटरव्यू में जाके मैं गा लेती हूं, लेकिन आपको चेंज करना चाहिए, जल्दी से सोच लें, बैकग्राउंड गाना गा दो, अपनी फिल्म का कोई गा दो, वो जो तुम पे पिक्चराइज हुआ, जो हम कह रहे थे घर का बाओगे का, आई थिंक आंखों में बसा के, यार इतना वो बड़ा मुश्किल गाना है, मैं उसको क्या वो गाना गाऊं, आसान वाला गाना गा दे, जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, जागो दुनिया में तुमको एक शख्स याद है। तुमने मेरा गाना खराब कर दिया, सर मैं तो दोबारा से प्लीज ऐड कर रहा था, मैं ऐड कर रहा, पूरा गाना गाना है, हाँ हाँ थोड़ा ओके okay. ये हो गया बस, बहुत है। मुझे बड़ा पसंद है, मुझे मैडम नूरजहां की गज़लें बहुत अच्छी लगती है। ये किसके लिए गाती हैं आप ये, मतलब जब कोई प्यार से बुलाएगा, नहीं मुझे गाना गाया बहुत अच्छा हुआ, आई थिंक मेहदी हसन साहब का गाना था पुराना, अगर आपने गाना सुना हो, मैं किसके लिए, किसी के लिए गाना गाना होता है, मतलब आप अपने लिए भी गाना गाते हैं, आप शायद किसी के लिए गाना गाते हैं, वो खुद उगलवाना चाह रहे हैं, मैं चाह रहा था कि आप शायद किसी के लिए गाती हैं। नूर, फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर लोगों के रियल नेम्स यूज नहीं करते बहुत, मतलब जैसे अरबाज का सलाम आरिफ है, बहुत से और भी एक्टर्स हैं इनके डिफरेंट नाम है, आपका फिल्मी नाम नूर है बट योर रियल नेम इज सारा, तो नूर किसने नाम रखा? शान ने रखा था, जब फिल्म मैंने उनकी साइन की थी तो ही सेड के बिकॉज फिल्म नेम वाज मुझे चांद चाहिए, तो चांद और नूर से इस तरह उन्होंने करके, और उन्होंने कोई किसी से, कोई नजूमी थे उनसे पूछा कि जी इनको सूट करेगा नाम क्या कौन सा, तो फिर एन से उन्होंने नूर नाम मेरा रखा था, एंड एक्चुअली इट वर्कड, जब सारा मेरा नाम था, आई वाज डूइंग मॉडलिंग एंड एवरीथिंग, मैंने शूट्स वगैरह किए, जैसे ही मैंने नूर नाम चेंज किया, अब कमर्शियल मेरी लगी एकदम से, आपने देखी होंगी वो जो पहली मैंने कमर्शियल भी की थी, अब मैं नाम नहीं लेना चाहती, तो वो कमर्शियल लग गई, फिल्म लग गई, ये हो गया, और माशाल्लाह नूर आई थिंक नाम भी बहुत अच्छा। जब मैंने इंस्पिरेशन का जिक्र किया तो आपने शान का जिक्र नहीं किया, हालांकि शान के साथ आपने सबसे ज्यादा फिल्मों के हवाले से, और बड़ी अच्छी ब्लॉकबस्टर फिल्म मुझे चांद चाहिए, जिले शाह, और अभी एक और शायद वेंचर भी है जिसपे आप शान नहीं, मैं शान अभी फिलहाल नहीं, बट आपने उनका नाम नहीं लिया, हालांकि उनके साथ डायरेक्शन में आपने काम नहीं, किया, नहीं मैं बिल्कुल एज अ हीरोइन उनके साथ काम किया, जी जी बिल्कुल, मेरी मेरे उस्ताद की तरह है वो, मेरे उन्होंने मुझे ब्रेक भी दिया फिल्म में, और बहुत मैं उनकी एक्टिंग बहुत पसंद करती हूं। हाउ डू यू रेट हिम एज एन एक्टर? वेरी गुड, आई थिंक वी डोंट हैव एनीबडी एल्स, हम लोगों के पास शान और सायमा ही है, और हर फिल्म में आपको शान और सायमा ही नजर आते हैं। सियासत से दिलचस्पी है? बिल्कुल भी नहीं। कोई फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है आपका? फेवरेट पॉलिटिशियन अभी तो मैं कहना नहीं, मुझे परवेज मुशर्रफ साहब अच्छे लगते थे, मुझे लगता था कि पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर थे इस वक्त। इमरान खान या आई थिंक अगर वो आए तो बिकॉज यूथ के लिए, और द वे ही स्पीक एंड एवरीथिंग, बिकॉज आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट पॉलिटिक्स, लेकिन वो जितना अच्छा बोलते हैं, और स्पेशली जितने काम उन्होंने, मेरा ख्याल में आप उनका शौकत खाना में गई थी, जो उन्होंने हॉस्पिटल इतना अच्छा वो बनाया हुआ है, मैंने वहाँ पे देखा इतने गरीब लोग आके, पठान अपने छोटे छोटे बच्चों को कैंसर था, यू नो आई वेंट देयर, और मैं वहाँ पर जाके मैंने दुआएं दी लिटरली इमरान खान को, कि उन्होंने कितना अच्छा काम किया हुआ है, तो आई थिंक उन्होंने एक काम अच्छा किया हुआ है, अगर वो आते हैं इक्तदार में या कुछ बन जाते हैं, तो मेरे ख्याल में एक शायद पाकिस्तान के लिए बेहतर। अच्छा अगर आपको एक दिन के लिए प्रेसिडेंट बना दिया जाए तो क्या आप करेंगी सबसे पहला काम? सबसे पहला काम मैं ये कहूंगी कि लाइट आ जाएगी सबकी,
सबके घरों में लाइट नहीं जाएगी। ये प्रोडक्शन के हवाले से बात नहीं, प्रोडक्शन नहीं यार, वैसे भी इंसान है, सब लोगों को गर्मी लगती है, बच्चे हैं छोटे छोटे लोगों के, नॉट एवरीबडी के नॉट अफोर्ड यूपीएस, एवरीबडी के नॉट अफोर्ड जनरेटर्स। आई एम श्योर कि इस वक्त सबको यही प्रॉब्लम है बिजली की। अब आप देखिए ना कितना सफर कर रहा है इस बिजली की वजह से, लोगों की फैक्ट्रीज बंद हो गई है, जिन जो टेलर्स हैं जिनके पास नहीं इतना पैसा, जो अपनी जिनकी रोज डेली बेसिस की है ही उस पर काम चलता है, और लाइट ही नहीं है तो बेचारे काम क्या करें, धोबी आप देख लें या जितने भी मेकअप छोटे-छोटे बेरोजगारी पड़ रही है, बिल्कुल बेरोजगारी लाइट की वजह से। और क्यों हल नहीं हो रहा, 3 साल हो गए, इट्स बीन 3 इयर्स, रोज 1 घंटा लाइट जाती है 1 घंटा आती है, किस मुल्क में इस तरह से होता है? यू नो आई एम जस्ट सो फ्रस्ट्रेटेड विद दिस। व्हाट इज योर वर्स्ट फियर, सबसे बड़ा खौफ क्या है? वर्स्ट फियर कब्र का अजाब। That is my most fear. Are you religious? Very. I've become very religious now. Lately, I've started reading and मतलब मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया है, और मैंने सब हदीस नबी पढ़ रही हूँ, मैं जितनी किताबें हैं वो मैं नाइजल बलागा जो है वो पढ़ रही हूँ। वो पढ़ने के बाद जो है ना, हो सकता है आप कुछ अर्से के बाद मुझे किसी और डिफरेंट रूप में देखें। Do you think you are an emotional person? या नहीं? You're very emotional. Very emotional. I can cry on demand. I mean, मैंने अभी भी रास्ते में मैं आ रही थी तो एक सड़क के पास कोई किसी औरत ने अपनी बेटी को लटाया हुआ था, मतलब गरीब कोई औरत थी, और उसके ऊपर कुछ बड़ा सा बैनर लिखा हुआ था कि इसके इलाज के लिए कुछ पैसे चाहिए। एंड आई रियली वांटेड टू स्टॉप देयर बट वी कुडंट बिकॉज आई हैड टू कम हियर, और उसको देख के आई हैड टीयर्स इन माय आईज एंड आई एम वेरी इमोशनल पर्सन, मतलब मुझे कोई भी आराम से बेवकूफ बना सकता है बिकॉज आई एम वेरी इमोशनल। और रोमांटिक, आर यू रोमांटिक? यस, इमोशनल है तो रोमांटिक होगी, एंड आई एम एन एक्ट्रेस एंड आर्टिस्ट, कोई भी आर्टिस्ट जो होता है, आई एम श्योर आप दोनों भी रोमांटिक होंगे, वो हमेशा रोमांटिक होगा, रोमांस के बगैर कोई जिंदगी। जब कोई बेवकूफ बनाता है उससे आप कुछ सीखती हैं बाद में? नहीं, ट्राई नॉट टू रिपीट इट, नहीं सीखती, दोबारा बेवकूफ बनती है। एक लाइफ पार्टनर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए नूर? एक लाइफ पार्टनर के लिए आई थिंक उसको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, और वो आपसे झूठ ना बोले, और वो आपकी ज़रूरतों का और आपकी खामोशी को भी समझ सके। कोई एक ऐसी चीज़ जो आप सोचें कि यार अब मैं नहीं फ्यूचर में ये करूँगी, आई नीड टू चेंज ये वाली आदत ताकि मेरे फ्यूचर जो है वो कामयाब रहे? आई थिंक कॉम्प्रोमाइज वही है बात की है कि कॉम्प्रोमाइज़ करना, लेकिन मैं मेरी वो शादी में एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं था जिसकी मतलब आई वॉज नॉट द रीज़न, मेरी वो अकेली वजह नहीं थी, उसमें बहुत सी और सी चीज़ें बहुत इन्वॉल्व थी। मैंने जितना कॉम्प्रोमाइज आई थिंक मैंने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की, मैंने अपने सास ससुर के पैर तक दबाए हुए, मतलब मैं आई वाज डूइंग एवरीथिंग अ वुमन शुड डू, लेकिन वो नहीं था। किस्मत, फेट है, नई चीज़ है, एग्जैक्टली, किस्मत है, तो वो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। मुझे पता कि अगर मैं अब दोबारा शादी करती हूँ तो आई विल बी अ वेरी गुड वाइफ, आई वॉन्ट टू बिकम अ मदर। हाँ, ये मैं करूंगी कि शादी करते ही आई वुड लव टू गेट मतलब प्रेग्नेंट एंड आई वुड लव टू हैव किड्स एंड वी वुड वांट टू सी योर किड्स ऑन टीवी। आई वांट टू हैव किड्स। अच्छा, मैंने सुना आपकी बहन आपसे बेहतर एक्ट्रेस है। पता नहीं। आपकी छोटी बहन भी वेरी गुड एक्ट्रेस, पर मैं बेहतर नहीं कह सकती, बेहतर है या नहीं ये तो आप उसका देख के सिखाती हैं आप उसे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो मुझे सिखा देती हैं काफी कुछ। अच्छा, प्रोडक्शन हाउस के हवाले से नूर बात करना चाहूँगा कि ये जो आपने काम शुरू किया है ये फॉर कमर्शियल रीजंस किया है, इकोनॉमिकली, ताकि यहाँ टू सेटिस्फाई योर इनर सोल, जो आर्ट वाली आर्टिस्टिक उसको भी है, और ऑब्वियसली आई वांट टू टेक इट एज बिजनेस एज वेल, कि आप एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीज़ कर रहे हैं, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि मैं अच्छी चीज़ें बनाना चाहती हूँ, और आप नेक्स्ट इंशाल्लाह देखेंगे जब नेक्स्ट प्रोडक्शंस करूँगी उसमें, आप ज़रूरी नहीं कि मैं उसमें हूँ, और लड़कियों को लेके, नए चेहरों को लेके, जिन लोगों को काम नहीं हो रहा उनको लेके साथ काम करके इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। और मकसद यही है कि बस आप एक अपनी अंदर सेटिस्फेक्शन के अच्छा काम जो कि नहीं हो रहा, अगर आपको लगता है कि आप दूसरे लोग नहीं कर रहे या आप उसमें नहीं है, कोई अच्छा काम हो रहा है लेकिन आप उसमें नहीं है, तो आप खुद बना सकते हैं। जैसे रीमा भी, आई एम श्योर उन्होंने फिल्म बनाई है और उन्होंने इंट्रोड्यूस भी कराए हैं काफी नए चेहरे। वही ना, यू सी, जब आपने एक्सपीरियंस होता है ना, आप करते हैं आप काम, बल्कि मैं तो ब्रेक पेन से भी पूछ रही थी आप एक्टिंग करती हैं, आपको शौक है? मैंने इनको कहा, मैं हमेशा कहती हूँ, कभी और भी लोग पूछे, मैंने कहा जो डायरेक्टर होगा जो गंजा नहीं होगा वो गंजा हो जाएगा। बट यू लुक वेरी ब्यूटीफुल माशाल्लाह, आप इतनी प्यारी हैं, अच्छी लगेंगे। बाल वैसे भी लंबे हैं, तो उसने कहा कि कितने कितने हो जाएंगे, क्या याद करेंगे, अच्छा रोल देंगे तो मैं करूंगी आपको, बस ठीक है, मेरी डायरेक्शन में आप करेंगे। हां, डेफिनेटली, ओके, ऑनियर डन हो गया, ये कमिटमेंट डन है भाई। ऑलराइट, चलो नूर, टाइम हमारा खत्म हो रहा है, एनी लास्ट वर्ड्स दैट यू वांट टू से टू द पब्लिक? ये कहूंगी बस, कीप अप्रिशिएटिंग मी एंड अच्छा काम देखें और अच्छा काम अप्रिशिएट करें। हां, एक बात जरूर कहना चाहूंगी, प्लीज इंडियन फिल्मों को ना प्रमोट करें, ना फिल्में उनकी देखने जाएं, हमारी फिल्में देखने के लिए जाएं, बिकॉज़ आप देखें अगर आपकी कोई फिल्म
वहां लगती है तो वो नहीं देखने जाते, वो बहुत खिलाफ है पाकिस्तानी उसके। आवाम कहते हैं अच्छी फिल्म बनाए हम देखेंगे, खुदा के लिए हमने देखी अच्छी फिल्म थी, कह रहे हैं बाकी भी आप अच्छी बनाए हम देखेंगे, वो तो देखेंगे लेकिन सिनेमाज वाले लगाएंगे ही नहीं तो फिर हम क्या करेंगे। ये तो एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन आप ये कि फिर भी आप कोशिश करें कि आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी चीजें भी पाकिस्तानी, बाय पाकिस्तानी, बहुत बहुत थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू, और अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे, एंड वी वांट टू सी यू स्माइलिंग एट ऑल, थैंक यू सो मच। एंड नाज़रीन मेरे ख्याल में हमारा वक्त प्रोग्राम का खत्म हुआ जाता है, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, इसी दुआ के साथ कि आप जहां रहें खुश रहें, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़ एंड बाय बाय।